डिफरेंट स्टूडेंट्स आज इंग्लिश कन्वर्सेशन में इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे और वर्ड पावर में फर्स्ट वर्ड है श्रीक। श्रीक होता है चीख, जैसे एकदम से हम कोई डरावनी चीज देख लेते हैं तो देन वी श्रीक, हम चीखते हैं। तो शाउट का कॉमन वर्ड आप लोग को आता है, नया वर्ड है श्रीक। नेक्स्ट है एंग्रोस। एंग्रोस होता है लीन होना, मग्न होना, जैसे यू आर वॉचिंग मूवी देन यू आर एंग्रोस इन दैट मूवी, आप उसमें मग्न होते हैं, आप उसमें लीन होते हैं। ये दो आपके लिए नए शब्द थे। एंड होमोफोन में अफेक्ट एंड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसका यूज कैसे कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रभाव की तो हम यूज करते हैं अफेक्ट, जैसे अगर मैं ये खाना खाती हूँ तो इसका मेरे सेहत के ऊपर क्या प्रभाव होगा, तो होगा अफेक्ट। और स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है, स्मोकिंग का क्या दुष्प्रभाव है। सो बाढ़ आएगी तो अफेक्ट नहीं होगा, बाढ़ आएगी तो इफेक्ट होगा, दुष्प्रभाव होगा। तो अफेक्ट मीन्स प्रभाव और इफेक्ट मीन्स दुष्प्रभाव। तो टेक केयर ऑफ दिस वर्ड्स। नेक्स्ट फॉल, ये होमोनिम है। फॉल के दो मतलब है, एक से आप लोग वाकिफ है, फॉल मीन्स गिरना, और दूसरा वर्ड है झरना। सो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा वाटरफॉल, सो फॉल झरने के लिए भी कहते हैं, और ये वर्ब भी है गिरना। नेक्स्ट हमारा प्रोनंसिएशन के लिए वर्ड है शोल्डर। शोल्डर पे कंधा, आप लोग बोलते शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर में आप को साइलेंट करना, हमने बोलना शोल्डर। एंड नेक्स्ट वर्ड है टीथ, कितना कॉमन वर्ड है बट मैंने सुना है कि काफी लोग कहते टीथ, टीथ नहीं है, टीथ बड़ी की माता देखिए बोलना है टीथ। प्रोनंसिएशन में ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स का भी। नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप लोग जानते हैं, नाउन है, मुझे बिजनेस में 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, नाउन है। लेकिन हम कहते हैं प्रॉफिटेबल, ये एडजेक्टिव है। जैसे आजकल मेडिसिन का जो व्यवसाय है ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है, इसमें हमें फायदा होता है। सो प्रॉफिट प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट है आपका फ्रेजेस के जैकपॉट में, फ्रेज में लेके आई हूँ काउ डाउन। काउ डाउन, काउ डाउन का मतलब गेट अफ्रेड। सो नाउअडेज एवरीबॉडी इज काउ डाउन ऑफ कोरोना। काउ डाउन ऑफ कोरोना मतलब कोरोना की वजह से डरा हुआ है, राइट। सो काउ डाउन का मतलब होता है डरना, किस चीज से डरेंगे, दैट इज कॉल्ड काउ डाउन। अच्छा फ्रेज है, इट विल मेक योर इंग्लिश कन्वर्सेशन मोर स्टाइलिश। नेक्स्ट है कलर्स के कमाल में है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है वो इंसान जो खेती बाड़ी में निपुण है, जो गार्डनिंग में निपुण है, मतलब जो खेती बाड़ी का, गार्डनिंग का, कृषि का काम में निपुण होगा, उस व्यक्ति के लिए आप कहेंगे ग्रीन थंब, राइट। सो यू कैन से माय मदर इज ग्रीन थंब, मतलब मेरी मम्मी बागवानी में निपुण है, ग्रीन थंब है। सो नेक्स्ट है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स में दो वर्ड लेके आए हैं, एक है अपलॉज, एक है प्रेज। प्रेज होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा आप मौके कर सकते हैं, प्रशंसा आप शाबाशी देके कर सकते हैं, लेकिन अपलॉज, अपलॉज का मतलब होता है तालियां बजाकर प्रशंसा करना। जैसे मान लीजिए पब्लिकली काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, आप मंच पर किसी को बुलाते हैं, फिर आप तालियां बजाकर उसका मान सम्मान करते हैं, तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं अपलॉज। सो आई होप आज का एक छोटा वीडियो जो इस कन्वर्सेशन के ऊपर था आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।